नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, अपराध का गढ़ कहे जाने वाले नालासोपारा में एक बार फिर बड़े अपराध की घटना सामने आई है, जहां नालासोपारा के प्रगति नगर क्षेत्र में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर प्रेमिका को जला दिया, जिसमें प्रेमिका की 70% तक झुलस चुकी है। दरअसल मामला है नालासोपारा तुलिंज पुलिस स्टेशन की हद में प्रगति नगर क्षेत्र का, जहां के शुभम अपार्टमेंट में रहने वाले संतोष पांचाल और उनकी प्रेमिका अमीषा पांचाल के बीच पिछले कई समय से पारिवारिक विवाद चलता रहता था, और इसी विवाद के चलते संतोष ने क्रोध में आकर हाल ही में अभी 2 दिन पहले घटना वाले दिन प्रेमिका अमीषा के ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया और अमीषा को आग लगा दी। अमीषा को अस्पताल पहुंचाया, अमीषा का इलाज जारी है, जबकि संतोष को पुलिस ने हिरासत में लिया और संतोष से पूछताछ जारी है, पुलिस के आगे की कार्यवाही जारी है। इस मामले में नालासोपारा तुलिंज पुलिस स्टेशन के सीनियर PI वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने मीडिया को बयान देते हुए मामले की जानकारी दी। वो सुनिए आप आगे वीडियो में क्या कुछ उनका कहना है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। नालासोपारा में एक घटना घट गई है, एक माणूस ने बायकोला पेट्रोल डालून सात तारखेला तुलिंज पोलीस स्टेशनला सरकारी हॉस्पिटल वसई विरारचं सरकारी हॉस्पिटल आहे, तिथून एक खबर आली की एक महिला साधारण 70% भाजलेली आहे। तर त्या ठिकाणी जाऊन पोलिसांनी तिचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलं असता त्या महिलेचं नाव अमीषा पांचाळ आहे, तिचं वय 37 वर्ष आहे आणि ती प्रगती नगर मध्ये राहत होती। तिचं पूर्वी लग्न झालं होतं, तिला पहिल्या लग्नापासून 3 मुलं होती, परंतु तिचा नवरा मयत झाला होता आणि त्या 3 मुलासह एका जो ह्या गुन्ह्यातला जो आरोपी आहे त्याचं नाव म्हणजे त्याच्याबरोबर ती राहत होती, त्यांनी तिला पेटवलं अशी तिने तक्रार दिली। त्यावरनं तिने त्याच्या अंगावर राखड टाकून पेटवलं अशी तिने तक्रार दिली आणि त्यावरनं आपल्या इथं सध्या 307 गुन्हा दाखल आहे। त्या महिलेला जे हॉस्पिटलला रेफर केलेलं आहे आणि त्या ठिकाणी तिच्यावरती उपचार चालू आहे। तर ते आरोपीचं नाव काय आणि महिलेचं नाव काय, महिलाची किती पर्सेंटेज ते भाजली? महिला 70% भाजलेली आहे आणि एकच मिनिट, आरोपीचं नाव सांगतो तुम्हाला, संतोष, आरोपीचं नाव संतोष पांचाळ। तर तो काय करतो? तो ऑटो ड्रायव्हर आहे, रिक्षा चालवतो। तिचं म्हणणं आहे की कोविडच्या अगोदर त्यांची ओळख झाली आणि कोविड पासून ते एकत्र राहत आहेत। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786